चलो भाई नेक्स्ट है आज का एक्टिंग सेगमेंट। ये पूरे 3 पॉइंट्स का और ये 3 पॉइंट्स आज चारों टीम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टीम भी जीतेगी वो आज गेम चेंजर खेल सकती है। सबसे पहले वुल्व्स, दूसरे नंबर पे लेपर्ड्स, फिर गोरिल्लाज और आखिर में आएंगे ड्रैगन्स। लाओ भाई सबसे पहले वुल्व्स हैं। वुल्व्स अपनी सिचुएशन को गौर से सुन लीजिएगा। ईद के मौके पर शौहर बेगम और बच्चों को ससुराल लेकर जा रहा था, अचानक से बेगम और बच्चा चिड़ियाघर जाने की जिद करने लगे। हमें बंदर का डांस, घोड़े का और हाथी की सवारी करनी है। तुम दोनों पागल हो गए हो, ईद के मौके पर ससुराल चलो, हम जाएंगे चिड़ियाघर। अब जो अब्बा हैं वो बन बन के दिखा रहे हैं, कौन सा जानवर बताओ क्या बनना है तुमने, मैं बन के दिखाता हूँ। सही है, चलिए 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से आ जाओ। पहले तैयारी हो रही है, ईद के दिन आपने ससुराल जाना है, बच्चे को साथ लेके आप ससुराल जा रहे थे, पहले प्रोग्राम ये बना था, लेकिन बीवी ने और बच्चों ने कह दिया हम तो चिड़ियाघर जाएंगे और हमने यहाँ बंदर का डांस देखना है, घोड़े की सवारी करनी है, हाथी बैठना है, इस तरह की बातें। तो आप कहेंगे बेटे वो मैं यहीं करके दिखाता हूँ, चलो आओ जल्दी से। एक मिनट है आपके पास, रेडी गो इमरान। चलो जी बेगम जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो जी टाइम नहीं है, जल्दी आ जाओ। क्या हो गया बेटा, इसको पैंपर नहीं पहनाया क्या तुमने? वो मैं ये कह रही थी कि हम लोग ये भी ये करते हैं, हम लोग जू चलते ना चिड़ियाघर। अरे जू जू तो मैं घर में ही देख रहा होता हूँ, क्या हो गया बेटा? जू कितनी जिद कर रहे हैं, देखें मेरी बात सुनो, पहले हम ससुराल जाएंगे, वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद चले जाएंगे आराम से। कौन सा उसको जानवर क्या देखना बेटा, क्या देखना तुमने, क्या देखना है जू में? हाथी घोड़ा। अरे इधर ही दिखा देता बेटा, कुत्ता नहीं शीशा देख लो तुम वैसे ही हरकतें कर करके वो वाली हरकतें हो गई है, तुमने क्या देखना है? वो मुझे वो डायनासोर बन के दिखाएं, डायनासोर। और कुछ और कुछ शेर, अरे शेर वाली चीज बची क्या? कौवा बन जाए, कौवा बन जाए। कौवा? अरे गधे की आवाज क्यों निकल ली कभी की जगह पे? तुमने क्या उड़ नहीं सकता ना, तुमने परी काट दिए घर में बिठा बिठा के। अरे यार चल यार तू चल यार, टाइम अप टाइम अप, चलो जाओ। आओ भाई नेक्स्ट कौन थी, किसकी बारी है? लेपर्ड्स, लेपर्ड्स उर्फ ल्यूपार्ड्स। ईद के मौके पर बेगम शोहर से शर्मा शर्मा कर ईदी मांग रही है, सुने और ईदी दीजिए ना। शोहर भी शर्मा शर्मा कर ईदी दिए जा रहा है, सामने खड़ा फुप्पी का लड़का सब देख रहा है, वो भी शर्मा शर्मा कर ईदी मांगेगा मगर उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बेगम को ईदी बार बार मिलती जाएगी, जितनी बेगम मांगेगी देखे जा रहे हैं। फुप्पी का बच्चा आया हुआ है, उसको आपने कोई ईदी नहीं दी, चलो आओ जल्दी से, रेडी गो। ईद मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक बेटा, कल बाद में आना, हटो आपको कल आपकी अम्मी बुला दीजिए, चलो ईदी थोड़ी और ये लो, ये तो बहुत कम है ना, थोड़ी सी और देना, ये लो मुझे भी प्लीज, आपके अब्बू बुला रहे हैं आप। जब देखो बार बार आ रहे हो, ईदी ये भी बहुत कम है, थोड़ी तो दे दे, और इनके हिस्से से दे दो ईदी। मुझे तो ईदी दे, ईदी थोड़ी और दे, ये बहुत कम है, ईदी की लाख के पैसे दे दो। अरे यार इसको भी दे देता हूँ, इसको ईदी में दे दो, जाओ ईदी ईदी थोड़ी और ईदी थोड़ी सी और मुझे दे दो ईदी। आपके घर में बच्चों के साथ ये होता है? ये कहाँ कहाँ से ये बच्चा नहीं बचा कुछ आए, हमारी बहन का ईदी ईदी मेरी सलमा फूफू, इसको बुलाओ जाओ दही लेके आओ, मुझे भी दे दे भाई, और दो ईदी। टाइम अप टाइम अप, चलो भाई बारी किसकी है? चलो भाई, लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मना रहा है कि हम चांद पर शादी करेंगे, लड़की जिद कर रही है कि हम चिड़ियाघर में शादी करेंगे, इस बात पर झगड़ा चल रहा है। कुछ देर में लड़की का बाप आएगा, मेरी बेटी की शादी हमारे खानदान में होगी, नहीं बाबा नहीं मुझे इससे शादी करनी है, अब्बा ने आगे बोल दिया कि दोनों की शादी नहीं होगी, आप दोनों आपस में डिसाइड ये कर रहे थे, वो कह रहा था कि मैं चांद पर लेके जाके शादी करूँगी, तुम कह रही थी नहीं मुझे जानवर पसंद है, चिड़ियाघर में शादी करेंगे, अभी ये डिस्कशन चल रहा है, बाप आगे बोलेगा इस लड़के से तो शादी होगी नहीं, खानदान में शादी होगी तुम्हारी। चलो भाई रेडी गो गाइस। यार लारे बाप को पता है मैंने सोच लिया हम कहाँ पर शादी करेंगे, पहले मैं बताऊं जी, आपकी याद में लगा, देखो आगे मुझे खून, हम शादी करेंगे ऑन द मून। नहीं ना, चांद पर शादी नहीं करेंगे, हम करेंगे चिड़ियाघर में शादी, देखे ना मुझे हर जानवर देखने को भी मिलेगा।
शीशे में भी दिखता है, मेरी अम्मी को मुझ में भी दिखता है, मगर हम चांद पे शादी करेंगे। ग्रैंड शादी होगी ना? नहीं ना, चांद पे शादी नहीं करेंगे यार, चांद पे बहुत कॉमन हो जाएगा यार। हम जू में शादी, जू में किसी ने शादी नहीं की होगी। छोटा भाई देखा अपना मजा, जू तो आपके घर में ही है, बिल्ट इन। ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं, इधर बैठ जाए बस। हम मैंने डिसाइड कर लिया, शादी होगी तो जू में होगी। शादी होगी तो मून पे होगी, कुछ इंस्टाग्राम पे लगाएंगे शादी ऑन द मून। बेटी बेटी तुम्हारी शादी रिश्तेदारों में होगी, पीछे हो जाओ। एक मिनट, रिश्तेदारी बन जाएगी ना? कैसी रिश्तेदारी? ऐसी बिल्कुल भी रिश्तेदारी? चिड़ियाघर आ गया पूरा कर। चिड़ियाघर क्या मेरी बेटी है? आपकी बेटी है, मेरी बीवी बनेगी भाई। क्यों बनेगी? चांद पे शादी करूंगा। अच्छा, हाँ कर राजा, फिर चांद पे शादी। टाइम अप, टाइम अप। ये जब भी बाप बनता है एकदम से गुंडा ज्यादा लगता है। किससे शादी हो रही है? हाँ भाई, बारी है ड्रैगन्स की। किसी फिल्म का शूट चल रहा है, ये जुमले मजाही अंदाज में बोलने हैं। काली पतलून, लाल पतलून, सफेद पतलून, नीली पतलून, मेरी पतलून, तेरी पतलून। डायरेक्टर ये सीन बार बार करवाएगा। क्या बोलोगे? काली पतलून, लाल पतलून, सफेद पतलून, याद कर लो। काली, लाल, सफ़ेद, नीली पतलून, मेरी पतलून, तेरी पतलून। ये आपने मुख्तलिफ अंदाज में बोलना है। चलो कलर तुम अपनी तरफ से कोई सा भी ऐड कर लेना, लेकिन पांच कलर्स हैं, कोई से भी ये बोलना है। लेकिन इनको तुमने और एक एक कॉमिक रिलीफ होना चाहिए इस पूरी सिचुएशन के अंदर। तुम मजाही अंदाज में बोल रहे हो और बार बार चेंज करके बोल रहे हो, सही है? एक डायरेक्टर होगा, एक कैमरामैन है, एक एक्टर है आपके पास। डायरेक्टर बार बार बोल रहा है, नहीं इसको समझ में नहीं आ रहा होगा, डायरेक्टर कहेगा कट, दोबारा से कीजिए। आइए जल्दी से, आपके पास पूरा एक मिनट है, जल्दी 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 आइए। आगे आओ ना, वहां का बैठ गए, यहाँ आओ ना जैन, यहाँ आओ, दरमियान में आओ ना। अच्छा जी, एक्टर आप हो? एक्टर आप हो? आप एक्टर हैं, कैमरामैन आप हैं, डायरेक्टर ये हैं। रेडी गो गाइस, एक्शन। वो काली पतलून, पीली पतलून, पिंक पतलून। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या कर रही हो बच्चा? एसन की पतलून, सॉरी जैन की पतलून। नो नो, अरे पागल, क्या कर रही हो? लाल पतलून, नीली पतलून, तेरी पतलून, मेरी पतलून, काली पतलून, नीली पतलून, पीली पतलून, जैन की पतलून। अरे रुको तो सही, एक्शन तो बोलने दो बाबू। आप क्या कर रही हो? किसको ले आए आप? किसको ले आए? अरे एक मिनट रोक तो सही, रोल कैमरा एक्शन। लारेब की पतलून, सारेब की पतलून, एसन की पतलून। ओ साला नहीं, लाल नीली पीली तेरी मेरी। ओके पीली। डायरेक्टर साहब क्या? की पतलून, नीली की पतलून, शेरोज की पतलून, पीली पतलून। कट कट कट, क्या कर रही हो? डोंट गेट पर्सनल। ओके, अरे क्या कर रही थी भाई? है काली पतलून, गेम शो की पतलून, खुशराव पाकिस्तान की पतलून, गेम चेंजर की पतलून। ये पतलून उतरवा के छोड़ेगी। बताइएगा जी आप लोग, सिचुएशन के हिसाब से सबसे बेहतर परफॉर्मेंस इनमें से किसकी थी? माइक खोलिएगा, आपकी का माइक खोलिएगा प्लीज। दानिश भाई, हमें जो अच्छी लगी, बड़ी अच्छी थी, फनी भी थी थोड़ी सी, उमेर की और आमना की। हाँ, बहुत बहुत अच्छी लगी हम लोगों को तो। और सेकंड नंबर पे मुझे जैन और क्या कहते हैं मदिया की बहुत अच्छी थी परफॉर्मेंस, और इनकी भी बहुत अच्छी हो सकती थी, बड़ी अच्छी थी सिचुएशन ना, लारेब की और जरनाब की, बहुत अच्छी सिचुएशन थी इन लोगों की, और इन लोगों की बहुत अच्छी सिचुएशन थी, बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन ओवरलैपिंग वगैरह हो रही थी थोड़ी सी। हाँ इमरान, मैं स्टार्ट करता हूँ वुल्फ से। सिचुएशन बहुत मज़े की थी। इमरान मुझे लगता है कि तुम ना पंच लाइन्स याद कर रहे होते हो, तुम ना सोच रहे होते हो कि अब आएगा कोई पंच। मैं तुम्हें एक एक सलाह देता हूँ इस बात में कि जब भी एक्टिंग करने आओ ना, पहले वो सब कुछ कर जाओ जो तुम्हारे पास सिचुएशन में है। अगर पंच लाइन्स ऐड भी करनी ना, तो वो उसके बाद करो, ताकि तुम्हारा ध्यान वहाँ ना जाए। शुरू से आके ना तुम्हारा ध्यान होता है कि अगर तुम एक मिनट के लिए ब्लैंक भी हो रहे हो ना, वो ब्लैंक होने का मतलब ये है कि तुम कोई पंच सोच रहे हो। अगर सिर्फ वही सिचुएशन ही परफॉर्म कर जाओ जो मैंने तुमको दी है, पॉइंट सारे उस पर ही मिल जाएंगे। हमेशा एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, इम्प्रोवाइज अगर कुछ कर रहे हो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। आके अगर याद करोगे ना, और मैं देख रहा हूँ, तो वो मैं ब्लैंक काउंट करूँगा कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, आज ये तुम्हारे साथ हो रहा था। अच्छा जी, लेपर्ड्स बहुत अच्छा परफॉर्म करके गए, लेकिन मुझे ऐसा लगा तुम लोग तो लूप पे लग गए। तुमने 40 सेकेंड्स एक ही काम किया, तुम सिर्फ घूमे जा रहे हो, डांस किए जा रहे हो, पैसे दिए जा रहे हो, उसमें चीज़ें तुम कुछ ऐड तो करते। तुम्हारी सिचुएशन तो 20-25 सेकेंड्स में ख़त्म हो गई थी, कुछ इम्प्रोवाइज करते।
सेम जैन भी यही कर रहा था कि बार बार आके पैसे मांग रहा था। दूसरी चीज़ ये जैन को खड़ो के पहले देखना था कि पहले देखता अच्छा ये हो रहा है फिर जाता। तुम बिल्कुल करीब जैसे ही वो पहली बार आई थी तुम फौरन से पहुंच गए वहां पर। सिचुएशन हमें दिखने में इसलिए ज़्यादा मजाइया लग रही थी क्योंकि उमर जो था वो जो पंच लाइन्स इसको दे रहा था ना वो बड़े मज़े मज़े की थी। लेकिन अगर तुम टोटैलिटी में देखोगे ना तो तुम लोग लूप पे लगे हुए थे, एक ही चीज़ परफॉर्म किए जा रहे हो। आखिर के 30 सेकंड्स तुमने एक ही काम किया है दोनों ने, आमना ने भी और उमर ने भी। अच्छा जी, गोरिल्लास की सिचुएशन बहुत ही मज़े की थी। अगर तुम चीज़ें उसमें ऐड ऑन करना चाहते ना कि मैं केटरिंग वालों को मून पे लेके जाऊंगा, सबका टिकट करवाना पड़ेगा, ये सारी बातें ऐड करते, तुमने चीज़ शुरू की कि हम वहाँ जाएंगे। सिर्फ एक चीज़ अच्छी थी कि हम इंस्टाग्राम पर जब पिक्चर लगाएंगे चांद की तो वो बहुत मजे की लगेगी। स्टार्ट जरनाब का बहुत अच्छा था। जरनाब ने पहले बोला नहीं हम उसमें करेंगे, फिर जो बदमाश हमारे जो बाप थे इनके जो बनकर आए थे, तुम क्यों बनकर आते हो ऐसे बाप, गुंडे बाप होते क्या हो? नहीं खैर, इसने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की थी लेकिन बड़ी मीडियोकर सी परफॉर्मेंस थी तुम लोगों की, जो मैं सोच रहा था उस लेवल की नहीं थी। फिर यहाँ पर ड्रैगन्स जब आए थे, ड्रैगन्स पहली चीज तो ये तुमने एक दफा भी नहीं बोला तेरी पतलून और मेरी पतलून। वो तुम्हें बार बार इशारे दे रहा है कि तेरी पतलून मेरी पतलून बार बार बोल रहा है, तुमने एक दफा भी नहीं बोला। तुमने पूरे गेम शो की पतलून बता दी सिवाय तेरी पतलून और मेरी पतलून के, रंग सारे ऐड कर दिए, सब कुछ कर दिया। जैन माइंड ब्लोइंग था एज ए डायरेक्टर। उसने दिखाया कि एक मॉनिटर रखा और मैं उसमें देख रहा हूँ, उसी पे कट करा था, ये शानदार बात थी। इनमें से मुझे लगता है अभी तक किसी ने ये बात सोची नहीं थी। फिर तुम कैमरा जिस तरह कैमरामैन थे जिस तरह के हो सकते उसी तरह थे। लेकिन अगर तुम ये दो चीज़ें ऐड कर ली थी तो आज 3 पॉइंट्स के हकदार तुम लोग बनते, लेकिन यहाँ तुम लोगों से गलती हुई मेरे हिसाब से। अगर अब देखा जाएगा इनमें तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं बोली मैं सुन रहा था और इसी का इंतजार कर रहा था कि एक बार बोल दे, एक बार तुमने बोली है, तुमने नहीं बोली थी, जिस जो एक्टर था उसने बोलनी थी, उस एक्टर ने बोलनी थी। अगर तुम इसको बता रहे थे ना, मुझे लगा कि शायद ये इसने कुछ और, या तो ये इतनी ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर दी हैं चीज़ें कि जो मेन स्क्रिप्ट है तुम उसी से हट गई। सबकी बता दी इसने सिवाय तेरी और मेरी पतलून के। तुमने बोला भी, मैं तो कह रहा हूँ इसने दो बार तुमको बोला तेरी पतलून बोलो मेरी पतलून बोलो, तुमने फिर भी नहीं बोली ये बात। अच्छा जी, बात आ जाती है अब इनमें से अगर कोई बेहतर है सबसे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से जो गलतियाँ जिससे कम हुई हैं वो वुल्व्स हैं, क्योंकि यहाँ से ये तो लूप पे लगे हुए थे इन्होंने और उसके अलावा कुछ किया नहीं है। ये लोग दरमियानी गलती तुम दोनों से, इनसे भी नहीं गलती हुई, गलती कोई नहीं हुई ना तुमसे ना इनसे ना इनसे। अब मैं परफॉर्मेंस पे अगर जज करूँगा, मेरा ख्याल है कि निक्की अच्छा बच्चा बना था क्योंकि मैंने कल उसको बोला था कि यार तुम बच्चा लगने रहते, आज ये लग रहा था। शाहताज को जितना कैरेक्टर मिला था वो मेरे हिसाब से शायद 3 पॉइंट्स के हकदार होंगे तो वो वुल्व्स होंगे और एक एक पॉइंट जाएगा तुम दोनों के साथ। अगर ड्रैगन्स आज अच्छा करते तो 3 पॉइंट्स के हकदार तुम लोग थे। हो जाएगा इस पॉइंट्स, एक पॉइंट जीते लेपर्ड्स, एक पॉइंट जीते गोरिल्लास। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।